आफ्टरनून. हम जो स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं उसका सेकेंड वीडियो है, और ये जो वीडियो है ये हम आगे ही प्रोसीड करने वाले हैं शिशुनाथ डायनेस्टी से. लास्ट वाला जो हमारा वीडियो था इसमें हमने मगध के बारे में बात की थी. मगध की चार डायनेस्टीज के बारे में हमको डिस्कशन करना था, और हमने पहली जो डायनेस्टी थी हरियंक डायनेस्टी उसके रूलर्स के बारे में बात कर ली थी. आज की जो हमारा टॉपिक है वो आगे की डायनेस्टीज रहेंगी. तो मगध की जो सेकेंड डायनेस्टी थी वो थी शिशुनाग डायनेस्टी. आज हम यहाँ से डिस्कशन आगे प्रोसीड करेंगे. शिशुनाग डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो शिशुनाग ही थे. ये मिनिस्टर थे, अमात्य कहते हैं मिनिस्टर को, ठीक है. तो ये मिनिस्टर थे लास्ट हरियंक रूलर नाग दशक के. शिशुनाग इज क्रेडिटेड विद फाइनली कॉन्करिंग द किंगडम ऑफ अवंती. शिशुनाग के बारे में बात करें तो शिशुनाग जो थे ये लास्ट हरियंक रूलर नाग दशक के मिनिस्टर थे, उन्हीं के लिए काम करते थे. और उनको ऐसा लगा कि नाग दशक वॉज नॉट वर्थ इट, या वो इतने अच्छे रूलर नहीं है, और शिशुनाग को खुद पर ज्यादा कॉन्फिडेंस था. तो शिशुनाग ने नाग दशक को मारने के बाद शिशुनाग डायनेस्टी एस्टैब्लिश की अपने ही नाम से. रूलर बनने के बाद शिशुनाग का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो अवंती का जो किंगडम है उसको एनेक्स करना माना जाता है. अवंती किंगडम की अगर हम बात करें बिंबिसार के समय से, सबसे पहले रूलर बिंबिसार थे हरियंक डायनेस्टी के. बिंबिसार के समय अवंती और मगध के रिश्ते थोड़े बेहतर हो गए थे, सुधर गए थे. इट वॉज बिकॉज कि बिंबिसार ने प्रद्योत जो राजा थे अवंती के उनके इलाज के लिए जीवक को भेजा था. तो बिंबिसार ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करके रखे थे अवंती के किंगडम के साथ में. लेकिन बिंबिसार के बाद जो अगले रूलर आए अजातशत्रु, उन्होंने इन रिलेशंस को इम्पोर्टेंस नहीं दी. अजातशत्रु जो है उन्होंने अवंती के अगेंस्ट अटैक करने का सोचा भी था, हावेवर सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे. उदयन के समय तो ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि अवंती के रूलर ने ही उदयन को मार दिया था. तो अवंती और मगध की जो राइवलरी है ये अजातशत्रु के समय से ही स्टार्ट हो जाती है. अगर हम यहाँ बात करें तो शिशुनाग को ये क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने इतनी जो सालों पहले से जो राइवलरी चल रही थी उसको खत्म किया और अवंती किंगडम को कम्प्लीटली टेक ओवर कर लिया था मगध की टेरिटरीज में. और बात करें शिशुनाग के बारे में, शिशुनाग को सक्सीड किया था इनके बेटे काल अशोक ने. काल अशोक जो है ये बुद्धिज्म के फॉलोअर थे, इन्होंने बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया था. और जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी ये काल अशोक के समय ही हुई थी, 383 BC में वैशाली में. अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि वैसे तो कैपिटल पाटलिपुत्र थी, उदयन के समय ही कैपिटल पाटलिपुत्र शिफ्ट हो गई थी मगध की, लेकिन शिशुनाग जो है उन्होंने कुछ पीरियड के लिए टेम्परेरी कुछ समय के लिए कैपिटल को जो है वैशाली शिफ्ट किया था. तो काल अशोक के समय पर भी कैपिटल वैशाली ही थी. तो इन्होंने जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी वो वैशाली में ही करवाई थी 383 BC में. काल अशोक के बाद जो है बहुत सारे और रूलर्स आए इस डायनेस्टी के, लेकिन वो वीक रूलर्स थे, इनकम्पिटेंट रूलर्स थे. लास्ट रूलर जो रहे इस डायनेस्टी के शिशुनाग डायनेस्टी के उनका नाम है नंदीवर्धन. लास्ट रूलर थे शिशुनाग डायनेस्टी के. और इनकी अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इनको एक शूद्र थे जिनका नाम था महापद्मानंद, उन्होंने इनको मार के नंद डायनेस्टी एस्टैब्लिश की थी मगध में. महापद्मानंद के ओरिजिन पे हालांकि थोड़ा सा डिबेट है, ठीक है. क्षत्रिय तो ये नहीं है, इतना कन्फर्म है. कहीं पे इनको वैश्य कहा गया है, कहीं पे इनको शूद्र कहा गया है. तो महापद्मानंद जो है ये भी काम करते थे नंदीवर्धन के लिए. सेम वही हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. उनको भी यही लगा कि नंदीवर्धन जो है ये वर्थ इट नहीं है, ये अच्छे रूलर नहीं है. तो महापद्मानंद ने नंदीवर्धन को मारकर नंद डायनेस्टी एस्टैब्लिश की थी मगध में. तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो, हम मगध की डायनेस्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. सेकेंड डायनेस्टी भी खत्म होती है शिशुनाग डायनेस्टी. ओके, इसके बाद महापद्मानंद जो है ये नंद डायनेस्टी एस्टैब्लिश करते हैं. शिशुनाग डायनेस्टी वो सक्सीडेड बाय द नंद डायनेस्टी. अगली जो डायनेस्टी है जो मगध में रूल करती है वो है नंद डायनेस्टी. फाउंडर है नंद डायनेस्टी के महापद्मानंद. इट इज सेड दैट महापद्मानंद वाज अ शूद्र एंड अ सन ऑफ अ बार्बर, ठीक है. तो ये क्षत्रिय रूलर नहीं थे, इनको शूद्र माना गया है और कहा है कि ये एक बार्बर के बेटे थे. He was the first non-Kshatriya ruler of Magad and was also called as destroyer of the Kshatriya. ठीक है, अगर महापद्मानंद के बारे में बात करें तो क्योंकि वो एक क्षत्रिय रूलर नहीं थे मगध के, इसके पहले के जो रूलर थे मतलब हरियंक डायनेस्टी के रूलर्स और शिशुनाग डायनेस्टी के रूलर्स ये क्षत्रिय थे.
नंद डायनेस्टी या महापद्मानंद पहली नॉन क्षत्रिय रूलर रहे मगध के। अब क्योंकि ये क्षत्रिय नहीं थे तो ये जब रूलर बने तो इनको बहुत क्रिटिसिज्म झेलने को मिला, सबने इनको बहुत क्रिटिसाइज किया। हावेवर जो है ये पहले वाले रूलर को मार के रूलर बने हैं तो ज्यादा तो इनसे कोई तेज चल नहीं सकता था कि मतलब कैसे, बट फिर भी इनकी पीठ पीछे लोग बात करते थे, इनको क्रिटिसाइज करते थे। तो अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं क्षत्रिय से ज्यादा वर्थ इट हूँ, इन्होंने क्या किया कि उस समय जो आसपास के किंगडम्स थे उनके जो क्षत्रिय रूलर्स थे उन पे अटैक किया और उनको हराया। क्योंकि इन्होंने ऐसा किया इसलिए इनको डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय भी कहा जाता है, मतलब एक टाइटल दिया गया है इनको जिसमें हम कहते हैं सर्व क्षत्रिय अंतक, ठीक है, मतलब सभी क्षत्रियों को हराने वाला, उनको डिस्ट्रॉय करने वाला, तो ये टाइटल जो है इनको दिया गया था। इसके आगे हम बात करें, एक ग्रीक हिस्टोरियन है कर्टियस, ठीक है, वो ये बताते हैं कि महापद्मानंद जो थे ये सबसे पावरफुल रूलर थे इस समय पर इंडिया के, और इनके पास एक बहुत लार्ज आर्मी थी, 1.20 लाख की इनके पास कैवेलरी थी, ठीक है, कैवेलरी मतलब होता है घुड़सवार, ठीक है, तो 1.20 लाख की कैवेलरी थी, 2 लाख की इनके पास इन्फेंट्री थी, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना, 2000 चैरियट्स थे, रथ थे इनके पास, 3000 के आसपास इनके पास एलिफेंट्स थे। तो ये इनकी बेसिक एक आर्मी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, नंबर इधर उधर वैरी भी कर सकते हैं, बट ठीक है, एक बेसिक आइडिया है कि इनके पास एक बहुत लार्ज आर्मी थी। क्योंकि इनके पास एक बहुत लार्ज आर्मी थी तो इनका एक और टाइटल था, इनको उग्रसेन भी कहा जाता था, ठीक है, उग्रसेन का मतलब होता है द पर्सन विद अ लार्ज आर्मी, क्योंकि इनकी आर्मी को इतना लार्ज बताया गया है इसलिए इनको उग्रसेन भी कहा गया है। तो इनके दो टाइटल्स की हमने बात कर ली, सर्व क्षत्रिय अंत का और उग्रसेन। इसके बाद महापद्मानंद को सक्सीडेड बाय धनानंद, ठीक है, महापद्मानंद के बारे में एक और छोटी सी बात है कि एक और टाइटल है इनका जिसको हम कहते हैं एक रथ, ठीक है, एक रथ का मतलब होता है सोल रूलर, मतलब ओनली रूलर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एट दैट टाइम महापद्मानंद इतने पावरफुल थे कि उनकी टक्कर में कोई था ही नहीं और आसपास के जितने भी किंगडम्स थे उन्होंने सारे किंगडम्स को हराया था, तो इसीलिए इनको एक रथ भी कहा जाता है, एक रथ का मतलब होता है सोल रूलर। तो ये बातें हो गई महापद्मानंद के बारे में। इसके आगे की बात करते हैं, महापद्मानंद वाज सक्सीडेड बाय धनानंद हु इज कंसीडर्ड टू बी अ क्रूएल किंग हु एक्सट्रैक्टेड अनलॉफुल टैक्सेस फ्रॉम द पीपल एंड वाज इवेंचुअली ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य अराउंड 323 BC हु एस्टैब्लिश्ड द मौर्यन डायनेस्टी। क्या हुआ था कि महापद्मानंद जो है बहुत अच्छे रूलर थे, लार्ज आर्मी थी, एक्सपेंशन भी उनके समय पर बहुत हुआ, उनको सक्सीड करके जो अगले रूलर आए नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर धनानंद, उनके बारे में थोड़ी सी नेगेटिव बातें की जाती है कि वो एक अच्छे रूलर नहीं थे, इनकॉम्पिटेंट थे, क्रूएल रूलर थे और जनता से जो है वो जबरदस्ती के टैक्सेस एक्सट्रैक्ट करते थे, जनता भी उनसे काफी ज्यादा परेशान थी। तो धनानंद जो है लास्ट रूलर रहते हैं नंद डायनेस्टी के, और फाइनली इनको चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जो है वो इनको जो है मिलकर ओवरथ्रो कर देते हैं। तो एक बेसिकली स्टोरी है यहाँ पर छोटी सी कि देखिए क्या होता है, आपने सुना होगा या मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि धनानंद के समय पर ही इंडिया में अलेक्जेंडर का इन्वेशन हुआ था। अलेक्जेंडर एक ग्रीक रूलर थे और उनकी बचपन से ही इच्छा थी कि वो पूरी दुनिया को देखें और उसको कॉन्कर करें। तो अलेक्जेंडर जो है अपनी आर्मी के साथ जो है ग्रीस से प्रोसीड करते हुए इंडिया की तरफ आ रहे होते हैं। इस समय पर चाणक्य तक्षशिला में रहते हैं और तक्षशिला में ये बेसिकली एक प्रोफेसर होते हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का ये काम करते थे इस समय पे। तो चाणक्य जो थे वो थोड़े से फोर साइटेड माने जाते थे, काफी बड़े स्कॉलर थे। तो उन्होंने सुना हुआ था कि अलेक्जेंडर जो है वो ग्रीस से आ रहे हैं। चाणक्य ने इस बात को रियलाइज किया कि अगर अलेक्जेंडर आते हैं तो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा है, अगर आप बॉर्डर की बात करो, तक्षशिला बेसिकली बॉर्डर्स पे आता है अफगानिस्तान पाकिस्तान पे के अभी करंटली। तो चाणक्य ने ये सोचा कि अगर अलेक्जेंडर आते हैं तो बॉर्डर्स पर तो बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स हैं, अगर अलेक्जेंडर आएंगे तो वो बहुत इजीली इन छोटे छोटे किंगडम्स को हरा देंगे और इंडिया में फर्दर अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे। तो चाणक्य ने ऐसा सोचा कि ऐसा होना चाहिए कि सारे बॉर्डर्स के जो किंगडम्स है या इंडिया के जो बड़े बड़े किंगडम्स है ये सारे यूनाइट हो जाए अलेक्जेंडर के अगेंस्ट, ताकि जब भी अलेक्जेंडर आए तो हम उसको बॉर्डर पर ही काउंटर कर ले, तो वो इंडिया में फर्दर अंदर तक पेनिट्रेट
ना कर पाए। ये सोचते हुए चाणक्य ने जो है धनानंद को अप्रोच किया, क्योंकि उस समय सबसे बड़ा किंगडम जो था नॉर्थ इंडिया में वो नंद डायनेस्टी का था। चाणक्य को ऐसा था कि अगर धनानंद हाँ कर देंगे तो सारे किंगडम्स भी हाँ कर देंगे और हम एक यूनाइटेड फोर्स बना लेंगे अगेंस्ट अलेक्जेंडर। तो चाणक्य पहुंचे थे धनानंद के पास उनको ये बात समझाने के लिए। अब जैसे हमने धनानंद के बारे में बात की कि वो बहुत क्रूअल और रूड रूलर थे, तो धनानंद ने जो है चाणक्य की बातें नहीं सुनी, ठीक है, उन्होंने चाणक्य को इज्जत भी नहीं दी, उल्टा उन्होंने चाणक्य को बहुत जो है इंसल्ट कर दिया था यहाँ पर, और चाणक्य को ये बात का बहुत ज्यादा बुरा लग गया था। और चाणक्य ने जो है वहीं पर एक प्रण ले लिया था धनानंद के दरबार में ही, ठीक है। ब्राह्मण्स जो होते हैं जनरली देखा जाता है कि वो एक बड़ी सी जो है चोटी रखते हैं अपने माथे पर, तो चाणक्य जो थे उनके साथ भी यही सिचुएशन थी। उन्होंने गुस्से में जो है अपनी वो चोटी खोल दी और वहां पर उन्होंने ये प्रण ले लिया कि वो जब तक धनानंद और उसकी जो डायनेस्टी है, उसका जो वंश है, उसको खत्म नहीं करते, तब तक वो अपने जो बाल है वो वापस नहीं बांधेंगे। इसको हिंदी में चोटी वाली घटना भी कहा जाता है। चाणक्य ने वहां पर ये प्रण लिया और उसके बाद वो वहां से चले आए। तो ये जो चोटी वाली घटना हुई, इसके बाद चाणक्य के मन में ये था कि उनको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनको सपोर्ट करे और जिसके हिसाब से या जिसके सपोर्ट से जो है चाणक्य धनानंद को ओवरथ्रो कर सके, क्योंकि चाणक्य ब्राह्मण थे, वो लड़ना नहीं जानते थे और उनको लड़ना भी नहीं था, ठीक है। तो चाणक्य जो है वो ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश में निकल जाते हैं और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपनी 3 एजेस में चाणक्य को मिलते हैं। चाणक्य जो है उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं और चाणक्य को ऐसा लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य में वो एबिलिटीज हैं, अगर उनको थोड़ा ट्रेन किया जाए तो। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ रख लेते हैं, उनको शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है और चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य मिलके जो है आर्मी का भी फॉर्मेशन करते हैं। मगध के जो लोग हैं उन्हीं को वो अपनी आर्मी में शामिल करते हैं, क्योंकि मगध के लोग जो है वो धनानंद से वैसे भी खुश नहीं थे, वो धनानंद को वैसे भी जो है एलिमिनेट करना चाहते थे। तो मगध की जनता की मदद से जो है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य एक आर्मी का फॉर्मेशन करते हैं और यही दोनों मिलकर जो है धनानंद को ओवरथ्रो कर देते हैं। तो इस तरीके से नंद डायनेस्टी जो है इनका भी कह सकते हैं कि टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। तो यहाँ तक की अगर हम बात करें मगध के रूलर्स वी वर डिस्कसिंग, 3 डायनेस्टीज की हम बात कर चुके हैं, हरियंग, शिशुनाग और नंद डायनेस्टी। आगे बढ़ते हैं, रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ मगध। एक बेसिक डिस्कशन है कि जब हमने महाजनपद की बात की थी तो हमने देखा था कि 16 महाजनपद थी इन टोटल 6th century BC में। जैसे समय आगे बढ़ता है, हम 6th century से 4th century BC में आते हैं, तो हमारे पास 16 में से सिर्फ एक महाजनपद बच जाती है, दैट इज मगध। तो यहाँ पर ये डिस्कशन है कि ऐसा क्या हुआ कि बाकी जो 15 महाजनपद्स हैं वो सबड्यू कर गई और सिर्फ मगध जो है वो सर्वाइव कर गई। तो कुछ ऐसे रीजंस होंगे, फैक्टर्स होंगे, एडवांटेजेस होंगे जिस वजह से मगध जो है वो आगे सर्वाइव कर पाई। तो उन्हीं रीजंस को हमको एक एक करके देखना है कि मगध के पास क्या एडवांटेजेस थे। बोथ द कैपिटल्स ऑफ मगध वर लोकेटेड एट अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। राजगृह वॉज सराउंडेड बाय हिल्स एंड पाटलिपुत्र वॉज सराउंडेड बाय रिवर्स, देयरफॉर इट वॉज समटाइम्स नोन एज जल दुर्ग। पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि मगध की 2 कैपिटल्स थी, पहली थी राजगृह, दूसरी थी पाटलिपुत्र। तो मगध की जो दोनों ही कैपिटल्स थी उनकी लोकेशन इतनी एग्जैक्ट थी, इतनी प्रिसाइज थी, इतनी स्ट्रेटेजिक थी कि वहां तक पहुंच पाना बहुत आसान नहीं था। जैसे राजगृह की बात करें तो कहा जाता है कि राजगृह 5 हिल्स से सराउंडेड था और पाटलिपुत्र जो था ये 3 रिवर्स से सराउंडेड था। हमने पहले भी पाटलिपुत्र की बात की थी, पाटलिपुत्र इज मॉडर्न डे पटना। अगर हम बात करें तो गंगा, सोन और पुनपुन, ये 3 रिवर्स से पाटलिपुत्र सराउंडेड था और राजगृह 5 हिल्स से सराउंडेड था। अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर मुझे किसी किंगडम पे अटैक करना है, अगर मैं कहीं की रूलर हूँ और मुझे किसी और किंगडम पे अटैक करना है तो मुझे अपनी पूरी सेना को लेकर वहां पर जाना है। ये हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस पीरियड की बात कर रहे हैं। तो इस पीरियड में इतने रिसोर्सेज या ट्रांसपोर्टेशन तो डेवलप्ड था ही नहीं कि भैया हम एयर स्ट्राइक करेंगे, सीधे जो है हम अपनी आर्मी को अपने यहाँ से लेके और सीधे वहीं पे पहुंचेंगे। तो इतने रिसोर्सेस तो उस समय थे नहीं। तो अगर मुझे अपने किंगडम से मगध तक जाना था, राजगृह पहुंचना था या पाटलिपुत्र पहुंचना था, तो मुझे या तो वो 5 हिल्स को क्रॉस करना था या फिर मुझे वो 3 रिवर्स को क्रॉस करना था पूरी सेना के साथ में।
तो मुझे अगर ये ऑप्शन है कि मैं किसी और किंगडम पे अटैक कर सकती हूँ जहां मैं इजीली अपनी आर्मी के साथ पहुंच सकती हूँ, तो मैं वहां पहुंचूंगी ना, कि इंस्टेड में पूरी सेना को जो है वो 5 पहाड़ चढ़वाऊं या उनको नदी तैरवाऊं थी, तो मैं यही चुनूंगी कि मैं कहीं और ही अटैक कर लेती हूँ। तो ऐसा ही हुआ, क्योंकि मगध इतनी अच्छी लोकेशन पे इनकी कैपिटल्स थी, तो बहुत इजीली जो है इन पर कोई रूलर नहीं पहुंच पाया, इन तक कोई रूलर नहीं पहुंच पाया, इन पे जो है इतनी इजीली इन्वेजन्स नहीं हो पाए। और क्योंकि इनकी लोकेशन इतनी अच्छी थी तो देवर ऑल्सो टेंशन फ्री, इनको भी क्लियर था कि भैया इतनी इजीली तो कोई हम तक आएगा नहीं, तो ये जो थे ये खुद कहीं और अटैक कर सकते थे और इनको जो है डिफेंस की इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। तो ये पहला कारण था जिसकी वजह से मगध बहुत एडवांटेजेस रहा लास्ट तक। मगध वॉज सिचुएटेड इन द फर्टाइल प्लेन ऑफ द अलूवियल सॉइल, दिस अलाउड एग्रीकल्चर टू फ्लरिश, मोर एग्रीकल्चर मीन्स मोर टैक्सेशन एंड मोर टैक्सेशन अलाउड मगधन किंग्स टू रिक्रूट अ लार्ज आर्मी। ये बात भी हमने पहले भी की है, ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी महाजनपद बनने के कारण में, कि मगध की अगर पर्टिकुलर हम बात करें तो मगध जो है वो गंगा वाला एरिया है, उस एरिया में जनरली फ्लरिश करता है। तो मगध के यहाँ पे जो सॉइल थी वो बहुत फर्टाइल सॉइल थी, एलुवियल सॉइल थी, जिससे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। एग्रीकल्चर अच्छा मतलब प्राइमरी एक्टिविटी अच्छी, उससे ट्रेड अच्छा होगा, सेकेंडरी एक्टिविटी अच्छी, टर्शियरी एक्टिविटीज अच्छी होगी, अर्बनाइजेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, प्रोस्पैरिटी आएगी, सभी के पास पैसे रहेंगे, पैसे मतलब पैसे हो सकता चलते हैं नहीं चलते हैं, वेल्थ की बात कर रहे हैं, सभी लोग वेल्दी हैं, ठीक है, प्रोस्पेरस हैं, तो किंग जो है वो ज्यादा टैक्स एक्सट्रैक्ट कर सकता है लोगों से, लोगों के पास है ज्यादा तो वो ज्यादा टैक्स देंगे, और जब लोग ज्यादा टैक्स देंगे तो किंग के पास ज्यादा पैसे आएंगे, जिससे किंग जो है एक लार्ज आर्मी रिक्रूट कर पाएगा, ठीक है। तो ये भी एक कारण था कि एग्रीकल्चर जो है वो बहुत अच्छा था मगध वाले रीजन में पर्टिकुलरली। आगे बढ़ते हैं, द प्रॉक्सिमिटी टू आयरन माइंस also proved to be a big advantage as more iron was available for manufacturing of weapons. Iron ki jo discovery hai, humne last class mein baat ki thi, iron was discovered in the later Vedic period aur later Vedic text mein iron ko Krishna ya Shama as ke naam se jana gaya hai. To later Vedic period mein jab iron ki discovery ho gayi thi to aisa nahi tha ki pure India mein har jagah iron mil raha hai. Particularly hum Magad ki baat kare to Magad mein ya Magad ki jo territories thi वहां पर आयरन की ज्यादा माइंस थी, नेचुरली इन लोगों को आयरन अवेलेबल था, ज्यादा आयरन इनको अवेलेबल था, तो इन्होंने जो है इजीली उसको यूटिलाइज करके ज्यादा वेपन्स बनाए जो इनकी आर्मी में हेल्पफुल रहे। बाकी महाजनपद के पास भी आयरन अवेलेबल था, सबके पास नहीं बट हाँ कुछ महाजनपद के पास, आयरन अवेलेबल था, और बाकी जो थी उन लोगों को आयरन जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता था। तो एक तरफ आपके पास खुद ही घर में सामान है तो आप उसको उस हिसाब से यूज करोगे, और आपको खरीद कर उसको यूज करना है तो आप उसको फिर उस हिसाब से यूज करोगे। तो यहाँ यही हुआ, क्योंकि मगध में नेचुरली आयरन ज्यादा अवेलेबल था तो इन्होंने उसको अच्छी मात्रा में यूटिलाइज किया वेपन्स को बनाने में। आगे बढ़ते हैं, द रूलर्स ऑफ मगध वर मोर एम्बिशियस एज कम्पेयर टू द अदर किंगडम्स, ठीक है, मगध के रूलर्स को ज्यादा एम्बिशियस बताया गया, बहुत ज्यादा पावरफुल रूलर थे। अगर हम शुरू से बात करें, बिंबिसार है, अजातशत्रु है, महापद्मानंद की बात कर ले, शिशुनाग की बात कर ले, आगे चंद्रगुप्त मौर्य और आगे भी, और जो मगध मौर्यन डायनेस्टी आएगी उनके भी रूलर्स काफी ज्यादा एम्बिशियस रहे। तो इतने एम्बिशियस एग्रेसिव रूलर्स रहे, इन्होंने ज्यादा एक्सपेंशन किए, ज्यादा वॉर्स लड़े, और क्योंकि ये कैपेबल भी थे तो ये जीते भी उन बैटल्स को या उन वॉर्स को, तो एक कारण ये भी है। आगे बढ़ते हैं, एज मगध वॉज सिचुएटेड इन ईस्टर्न इंडिया, इट हैड अवेबिलिटी ऑफ वॉर एलिफेंट्स विच वॉज मोस्टली फाउंड इन ईस्टर्न इंडिया। तो अगर एलिफेंट्स की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि इस समय पर एलिफेंट सिर्फ ईस्टर्न इंडिया के जंगलों में ही पाए जाते थे। मगध ऐसा पहला किंगडम था जिन्होंने एलिफेंट्स को अपनी आर्मी में यूटिलाइज किया। आप इमेजिन कर सकते हो कि एलिफेंट जो है इतना एक लार्ज एनिमल है, अगर आप उसको बैटल फील्ड में एक बार मतलब लेकर भी जाओ और उसको दौड़ा ही दो, ठीक है, तो वो एक ही बार में जो है 10-15 जो है सोल्जर्स को मारने की एबिलिटी रखता है। तो ये वॉर एलिफेंट्स जो है इनको भी मगध ने यूटिलाइज किया, और सबसे ज्यादा जो है इसकी वजह से भी इन्होंने बैटल्स जीते, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे जिन कारणों की वजह से मगध जो है बाकी महाजनपद के कंपैरिजन में विक्टोरियस इमर्ज हुआ। ये हो गया बेसिक। इसके बाद आगे की जो हमको बात करनी है, इट इज अबाउट फॉरेन इन्वेजन्स
अब मगध की डायनेस्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, और जैसे हमने बात की है कि धनानंद के समय जो है अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था, तो इस समय हम फॉरेन इन्वेजन भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से फॉरेन इन्वेजन इस पीरियड में हुए थे। अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन है ये धनानंद के समय इंडिया में हुआ था, बट अलेक्जेंडर के पहले भी इंडिया में मगध के या महाजनपद के पीरियड में भी इंडिया में कुछ इन्वेजन हुए हैं, तो उनके भी बारे में हम बात कर लेते हैं। अर्लीस्ट इन्वेजन, फॉरेन इन्वेजन जो थे वो पर्शियन रूलर से आए, ठीक है। दो बेसिकली कंट्रीज की हम बात कर सकते हैं कि एक जो है इस समय पर इंडिया में पर्शियन इन्वेजन हुए, और दूसरे जो इन्वेजन थे वो थे ग्रीक इन्वेजन। पर्शिया की अगर हम बात करें तो क्या आप जानते हैं कि पर्शिया प्रेजेंटली किस नाम से जाना जाता है? पर्शिया, पर्शिया जो है ये ईरान का पुराना नाम है। ईरान को हम पहले पर्शिया के नाम से जानते थे, तो यहाँ पे पर्शियन इन्वेजन या इसी को हम ईरानियन इन्वेजन भी कह सकते हैं। तो अलेक्जेंडर के इन्वेजन के पहले भी इंडिया में इन्वेजन हुए पर्शियंस के या ईरानियंस के। द अर्लिएस्ट फॉरेन इन्वेजन इन इंडिया केम फ्रॉम द पर्शियन रूलर्स। पहले पर्शियन रूलर थे जिनका नाम था साइरस फर्स्ट, ये पहले पर्शियन रूलर थे जो इंडिया में आए थे। ही बिलोंग्ड टू द आर्कमेनिड डायनेस्टी एंड इन्वेडेड द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया बिटवीन 558 बीसी एंड 530 बीसी। तो साइरस फर्स्ट को पहला पर्शियन रूलर बताया जाता है जो इंडिया में इस समय पर आए थे इन्वेजन के लिए। हम मगध की डायनेस्टीज की बात कर सकते हैं कि उसी पीरियड के आसपास इनिशियली जब डायनेस्टीज सेटअप हो रही थी, हरियंत डायनेस्टी रूल कर रही थी, उसी पीरियड के आसपास साइरस फर्स्ट का इन्वेजन हुआ। बट ये इंडिया में बहुत अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाए थे, ही वॉज कन्फाइंड ओनली टिल द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन तक ही इनका एम्पायर सेटअप हो पाया था, और ये आर्कमेनिड डायनेस्टी से बिलोंग करते थे जो कि पर्शिया की एक रूलिंग डायनेस्टी। साइरस फर्स्ट के बाद जो अगले पर्शियन रूलर इंडिया में आते हैं उनका नाम है डेरियस फर्स्ट, इनको डराइस फर्स्ट भी बोला जाता है। डराइस फर्स्ट या डेरियस फर्स्ट अगले रूलर थे जो इस समय पर इंडिया आए थे। इनकी बात करें तो ही इज क्रेडिटेड विद कॉन्करिंग द गांधार रीजन, ठीक है, और इनका जो एम्पायर था ये गांधार रीजन तक एस्टैब्लिश हो गया था। गांधार, अगेन हम इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, गांधार की कैपिटल थी तक्सीला, वहां तक इनका एम्पायर जो है वो एस्टैब्लिश हो गया था। Because the Greek historian Herodotus tells us that India was the 20th strap या province of the Persian Empire, ठीक है। तो Darius का जो empire था ये गांधार वाले region तक expand कर गया था, और इसके बारे में हमें जो information है वो Herodotus से आती है। Herodotus आपको पता होगा, Herodotus जो है he is the father of history, ये Greek historian थे। इन्होंने पहली बार ये explain, मतलब यहाँ पर ये बताया है कि India जो था वो पर्शियन एम्पायर का 20th स्ट्रैप था। स्ट्रैप या स्ट्रैपी, इसका मतलब होता है प्रोविंस, ठीक है। प्रोविंस मतलब सेकेंड ऑटोनोमस यूनिट, पहला अगर एक किंगडम है और उसके अंडर जो किंगडम्स आ रहे हैं उनको प्रोविंस कहा जाता था इस समय पर। और गांधार की, सॉरी पर्शियंस की बात करें तो पर्शियंस जो थे उसको स्ट्रैपी या स्ट्रैप कहते थे। तो हेरोडोटस ने बताया है कि पर्शियन एम्पायर जो है उसकी 20th स्ट्रैप या स्ट्रैपी थी गांधार का किंगडम या इंडिया का बेसिक एक्सपेंशन, जितना वो कर पाए थे उतना। तो हेरोडोटस के रिकॉर्ड से ये हमें कंफर्म हो जाता है। प्लस हमारे पास इसका एक और एविडेंस है, बाहिस्तान रॉक इंस्क्रिप्शन जो है ऑल्सो टेल्स अस दैट गांधार वाज अ प्रोविंस ऑफ द पर्शियन एम्पायर। ये बाहिस्तान रॉक इंस्क्रिप्शन जो है ये ईरान वाले एरिया में आता है, एक पुराना इंस्क्रिप्शन है। ये भी इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि डेरियस वन का जो है एक्सपेंशन गांधार वाले रीजन तक हो गया था। तो ये पर्शियन इन्वेजन थे, सिर्फ दो रूलर्स थे जो पर्शिया से इंडिया आए थे इस समय पर। पहले थे साइरस फर्स्ट, आर्कमेनाइड डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, दूसरे थे डेरियस फर्स्ट, ही ऑल्सो बिलोंग टू द आर्कमेनाइड डायनेस्टी। मूविंग फॉरवर्ड, आफ्टर द डेथ ऑफ डेरियस थर्ड Persia's control over Gandhar region became weak and ultimately the northwest got divided into several smaller kingdoms. अगर हम बात करें तो Darius first के समय तक, Darius first was in India, उन्होंने गांधार वाला region conquer कर लिया था। उनके बाद और rulers ने succeed किया India, हालांकि invasion के हिसाब से कोई नहीं आया, गांधार already Persian empire का हिस्सा बन गया Darius first के बाद।
इसके बाद अलग अलग रूलर्स आते रहे, ठीक है। डेरियस थर्ड पर्शिया के जब रूलर थे उनके समय पर एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा वीक हो गया था और इस वजह से जो है गांधार वाला रीजन इंडिपेंडेंट हो गया था। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं होता कि किसी रूलर ने, मतलब किसी बड़े रूलर ने किसी छोटे रूलर को, लोकल रूलर को हरा दिया और उसका किंगडम टेक ओवर कर लिया, तो आजीवन जो है वो छोटा वाला जो लोकल किंगडम है वो बड़े किंगडम के अंडर रहेगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है। रूलर्स चेंज होते हैं, पॉलिसीज चेंज होती है, हो सकता है कि वो जो लोकल किंगडम है उस समय बाद वहां पे कोई पावरफुल रूलर आए जिसको लगे कि नहीं मुझे तो इंडिपेंडेंट होना है और वो लड़ाई करके वापस अपने किंगडम को इंडिपेंडेंट कर ले, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। ये मैं यहाँ पर आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज गांधार वाला रीजन डेरियस फर्स्ट के समय पर पर्शियन एम्पायर का हिस्सा बन चुका था, लेकिन डेरियस थर्ड के आते आते क्योंकि वीक हो गया था पूरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, तो गांधार वाला रीजन जो था वो इंडिपेंडेंट हो गया था और इंडिपेंडेंट होने के बाद भी ये छोटे छोटे बहुत सारे स्मॉलर किंगडम्स में डिवाइड हो गया था डेरियस थर्ड के समय पर। तो ये बेसिक पर्शियन रूलर्स की बात की हमने जिनका इंडिया से कोई ना कोई रिलेशन था, मतलब ये आए इंडिया में। अगली जो बात करनी है वो हमको करनी है पर्शियन इन्फ्लुएंस की इंडिया पे, कि पर्शियंस जो थे क्योंकि ये इंडिया में आ गए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ये बहुत समय तक रहे, तो इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा या क्या इन्फ्लुएंस पड़ा इंडिया में। जब भी कोई फॉरेन इन्वेजन इंडिया में होते हैं जो फॉरेन रूलर्स होते हैं वो अपने साथ बहुत सारी जो है अलग अलग चेंजेस लेके आते हैं, स्क्रिप्ट में, लैंग्वेज में, फूड हैबिट्स में, आर्किटेक्चर में, आर्ट में, कल्चर में, ठीक है, ट्रेडिशन में, फूड हैबिट्स वगैरह, ये सारे चेंजेस इनके पीरियड में आते हैं जब ये फॉरेन रूलर्स इंडिया में आते हैं। तो पर्शियंस के इंडिया में आने से क्या चेंजेस आए अगर हम इनकी बात करें, द डेवलपमेंट ऑफ खरोष्ठी स्क्रिप्ट इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया इज क्रेडिटेड टू द पर्शियंस। पर्शियंस ने इंडिया में एक तरीके की नई स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस की जिसको कहा जाता था खरोष्ठी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब होता है लिखने का तरीका। खरोष्ठी स्क्रिप्ट में जनरली देखिए हम जनरली ऐसे लिखते हैं लेफ्ट से राइट, ये हमारा बेसिक राइटिंग पैटर्न होता है। खरोष्ठी स्क्रिप्ट में उल्टा होता है, खरोष्ठी स्क्रिप्ट में राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है इस तरीके से, जैसे बेसिकली हम उर्दू लिखते हैं ये मान सकते हैं। तो खरोष्ठी स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया बाय द पर्शियंस इन इंडिया, और इंट्रोड्यूस किया गया का मतलब ये नहीं है कि पूरे इंडिया में उन्होंने खरोष्ठी स्क्रिप्ट ही चला दी, पूरे इंडिया में उनका कंट्रोल ही नहीं था, जितने एरिया में उनका कंट्रोल था उतने एरिया में ही वो ये कर पाए। तो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है जहां तक इन्होंने एक्सपेंशन कर लिया था उस एरिया में खरोष्ठी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल होने लगा और बहुत बाद तक के पीरियड तक चलता रहा। दूसरा पर्टिकुलर इनका इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें, द पिलर्स ऑफ अशोक विद देयर बेल शेप्ड एबेकस एंड द बुल और लायन कैपिटल आर ऑफ पर्शियन ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे एक पिलर आपको देखने को मिल रहा है, इसी को बेल शेप्ड पिलर कहते हैं। तो अशोक जो है, अगर हम अशोक के बारे में बात करें, अशोक ऐसे पहले रूलर थे जिन्होंने डायरेक्टली अपनी जनता से बात करने की कोशिश करी। अगर हम अभी की बात करें तो अभी के जो हमारे रूलर्स होते हैं, रूलर्स नहीं सॉरी लीडर्स होते हैं, वो हमसे बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतना कम्युनिकेशन के मीडियम है, ठीक है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो मन की बात के थ्रू हमसे कम्युनिकेट कर लेते हैं, ट्वीट करके हमसे कम्युनिकेट कर लेते हैं, न्यूज चैनल्स पर अपने जो है इंटरव्यूज के थ्रू वो हमसे कम्युनिकेट कर लेते हैं, बट इस समय ऐसा कोई कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं था। इंडिया में अशोक ऐसे पहले रूलर माने जाते हैं जो चाहते थे कि वो अपनी जनता को जो है मैसेज दे अपनी प्रजा को, तो इसके लिए उन्होंने अपने पूरे एम्पायर में, थ्रू आउट हिज एम्पायर, उन्होंने ऐसे बहुत सारे पिलर्स इंस्क्राइब करवाए थे, उनपे इनके छोटे छोटे मैसेजेस थे, इंस्क्रिप्शंस थे। अब ये बार बार तो बदले नहीं जा सकते थे, ये वन टाइम के थे कि हाँ जब वो पिलर लगा तो वहां की प्रजा को वो क्या संदेश देना चाहते हैं वो उन्होंने उस इंस्क्रिप्शंस पे लिखवाए। जनरली उन्होंने उसमें रूलर जो है वो अपनी प्रजा को किस तरीके से देखता है इसके बारे में बताया, सिटीजन्स की क्या ड्यूटी है किंगडम के प्रति, रूलर की क्या ड्यूटी है, बाकी उनके मिनिस्टर्स की क्या ड्यूटी है, वेरियस जो भी फिलोसफीज उस समय पर उनके दिमाग में थी वो सारी उन्होंने इन पिलर्स पर इंस्क्राइब करवाई थी। अब यहाँ हम इतनी बात अशोक की इसलिए कर रहे हैं कि अशोक ने ये जो पिलर्स लगवाए थे थ्रू आउट इस एम्पायर, ये पर्शियन आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस्ड थे। पर्शिया में भी ऐसे ही बेल शेप्ड पिलर का इस्तेमाल पहले हुआ था, अशोक ने वहीं से ये आइडिया एडॉप्ट किया था। तो अशोकन पिलर्स पे भी हम पर्शियन इन्फ्लुएंस को देखते हैं।
तो ये हो गई बात पर्शियन इन्फ्लुएंस की और पर्शियन इन्वेजन्स की। मूविंग फॉरवर्ड, ग्रीक इन्वेजन्स ऑफ इंडिया, आगे हमको बात करनी है ग्रीक इन्वेजन्स के बारे में। तो इंडिया में पर्शियन इन्वेजन्स के बाद ग्रीक इन्वेजन्स भी हुए और एकलौते व्यक्ति इस समय जो ग्रीस से इंडिया में आए थे उनका नाम था अलेक्जेंडर। तो यहाँ हम अलेक्जेंडर के बारे में बात करने वाले हैं। अलेक्जेंडर जो थे ये मैसेडोनिया के रूलर फिलिप फर्स्ट के बेटे थे। इनके पिताजी का नाम फिलिप फर्स्ट है जो मैसेडोनिया के रूलर थे। अलेक्जेंडर के टीचर जो है वो एरिस्टोटल को माना जाता है। एरिस्टोटल को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने अलेक्जेंडर को पढ़ाया था और उन्होंने ही इनको वर्ल्ड की हिस्ट्री और बेसिक फिलोसफी ज्योग्राफी सब के बारे में बताया था। अलेक्जेंडर फ्रॉम अ वेरी यंग एज वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए सॉरी यहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड नॉट ओनली ही वॉन्ट टू सी बट ही ऑल्सो वॉन्टेड टू कॉन्कर इट। अलेक्जेंडर जो थे वो बहुत क्यूरियस थे बचपन से ही कि उनको देखना है कि दुनिया कैसी है उस समय पर, क्योंकि वो कोई वर्ल्ड मैप एग्जिस्टेंस में नहीं था, ना कोई गूगल था ना कोई यूट्यूब था, तो उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि कैसी है दुनिया, कितनी जगहें हैं, कितने ओशंस हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। तो ही वॉज वेरी क्यूरियस और क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, रूलर थे, तो वो जो बचपन में उनकी दुनिया देखने की इच्छा थी वो बड़े होते होते दुनिया जीतने की इच्छा में बदल गई और अब उनको दुनिया जीतनी थी, उसको कॉन्कर करना था। तो जो दुनिया जीतने के लिए जो है उन्होंने अपने एम्पायर से स्टार्ट किया और वो एक लार्ज आर्मी के साथ आगे जो है ईस्ट की तरफ प्रोसीड करते रहे ग्रीस से। तो कहा जाता है कि स्टार्टेड विद एशिया माइनर एंड डिस्ट्रॉयड द एक्यूमुलेटेड डायनेस्टी ऑफ पर्शिया एंड फाइनली रीच द नॉर्थ अफगानिस्तान विच वॉज नोन एज बैक्ट्रिया। तो ये कहा जाता है कि उनका जो कॉन्क्वेस्ट है अलेक्जेंडर का वो एशिया माइनर से चालू हुआ। एशिया माइनर बेसिकली वो एरिया है जहाँ पे एशिया और यूरोप मर्ज होते हैं या कुछ ओवरलैपिंग एरिया है, उसको हम एशिया माइनर कहते हैं। अलेक्जेंडर ने उसको जीता। उसके बाद अलेक्जेंडर ने जो है आगे की ओर बढ़ते हुए आर्केमेनाइट डायनेस्टी जो है, अलेक्जेंडर ने एशिया माइनर जीता और उसके बाद आर्केमेनाइट डायनेस्टी जो है जो ईरान में या पर्शिया में रूल करती थी उनको भी हराया। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर के समय जो है पर्शिया में डेरियस थर्ड का रूल चल रहा था। डेरियस थर्ड के साथ अलेक्जेंडर का एक बैटल हुआ था जिसको बैटल ऑफ अरबेला कहा जाता है। अलेक्जेंडर जीते और ये जो आर्केमेनाइट डायनेस्टी थी इसको भी इन्होंने हराया। पर्शिया वाला एरिया भी पूरा अलेक्जेंडर ने जीत लिया, उसको कॉन्कर कर लिया एंड फाइनली ही रीच्ड नॉर्थ अफगानिस्तान विच वॉज नोन एज बैक्ट्रिया। ठीक है, नॉर्थ अफगानिस्तान एरिया को इस समय पे बैक्ट्रिया कहा जाता था। अलेक्जेंडर यहाँ पे पहुंचे, उन्होंने ये एरिया भी कंप्लीटली कॉन्कर कर लिया। In 327 BC, Alexander crossed the Hindukush mountain and invaded the Indus region. ठीक है, हिंदुकुश माउंटेन्स जो है ये नेचुरल बाउंड्री मानी जाती थी उस समय पर, अफगानिस्तान में है ये हिंदुकुश माउंटेन रेंजेस। तो 327 BC में अलेक्जेंडर हिंदुकुश माउंटेन रेंजेस को क्रॉस करते हैं और इंडस वाले एरिया तक पेनिट्रेट कर जाते हैं। ठीक है, तो हमने अलेक्जेंडर की बात करी, एशिया माइनर से स्टार्ट किया, पर्शिया की आर्केमेनाइट डायनेस्टी को इन्होंने हराया, उसके बाद नॉर्थ अफगानिस्तान वाले एरिया में आए, बैक्ट्रिया वाले रीजन को इन्होंने जीता और फिर हिंदुकुश माउंटेन्स को क्रॉस करके ये इंडस वाले रीजन में भी आ गए फर्दर। हिज फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट वॉज विद आम्बी द रूलर ऑफ तक्सीला। आम्बी सरेंडर्ड टू अलेक्जेंडर विदाउट फाइटिंग एंड ऑल्सो प्रोमिस टू हेल्प अलेक्जेंडर इन हिज फ्यूचर कॉन्क्वेस्ट। देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हिंदुकुश माउंटेन्स को पार करने के बाद जब अलेक्जेंडर पहली बार इंडिया में आते हैं तो उनका पहला सामना होता है आम्बी से। आम्बी जो है वो इस समय पर तक्षशिला के रूलर रहते हैं। आम्बी ने ऑलरेडी अलेक्जेंडर के बारे में सुना था क्योंकि अलेक्जेंडर बहुत समय से निकले हुए थे और छोटे छोटे बहुत सारे किंगडम्स को ओवरटेक करते हुए हराते हुए इंडिया की तरफ आगे आ रहे थे। तो आम्बी जो थे ये काफी डरपोक टाइप के व्यक्ति थे, इनको जो है डर था कि अलेक्जेंडर इनको मार देंगे, तो इसीलिए आम्बी ने जो है अलेक्जेंडर के सामने आते से ही उन पर सरेंडर करते कि भैया मेरे को माफ करो, ठीक है आपको मेरा पूरा किंगडम चाहिए, आप मेरा पूरा किंगडम ले लो। आम्बी को इसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आया, उनको ऐसा लगा कि पता नहीं इसके बाद भी शायद ये मुझे मार दे। तो फर्दर अलेक्जेंडर को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए आम्बी उनको ये तक प्रॉमिस कर देते हैं कि मेरा तो किंगडम आप ले ही लो, मेरे किंगडम के अलावा जो है इंडिया में आपके जो भी कॉन्क्वेस्ट होंगे उसमें मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, अलेक्जेंडर इसके बाद आम्बी को मारते नहीं है ऑफकोर्स, क्योंकि उनको आगे के लिए हेल्प भी चाहिए थी और तक्षशिला का किंगडम भी अलेक्जेंडर को मिल जाता है।
इसके बाद अलेक्जेंडर का जो अगला टारगेट था वो था पौरिया किंगडम, जो कि पोरस के द्वारा रूल किया जाता था, ठीक है। झेलम रिवर के अक्रॉस पोरस का किंगडम था पौरिया किंगडम। अब क्योंकि अलेक्जेंडर ने आम्बी का वो पूरा सीन देख लिया था कि ये तो ऐसे ही डरपोक है और इतनी जल्दी इन्होंने सरेंडर कर दिया, तो अलेक्जेंडर के दिमाग में एक इमेज बन गई थी कि हाँ शायद यहाँ के रूलर्स ऐसे ही हैं, ज्यादा ब्रेव नहीं है। तो अलेक्जेंडर जो है वो पोरस से लड़ने के पहले पोरस को एक लेटर भेजते हैं जिसमें वो उनको फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाते हैं कि अगर आप हमारी सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, हम फ्रेंड्स बन जाते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमको आप पे अटैक करना पड़ेगा, हमको इन्वेड करना पड़ेगा आपकी टेरिटरी में। पोरस उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और अलेक्जेंडर को बोल देते हैं कि भैया आ जाओ, ठीक है, लड़ ही लेते हैं। और वो पोरस को जो है अलेक्जेंडर को जो है पोरस बैटल के लिए इन्वाइट कर देते हैं। तो अलेक्जेंडर को तब भी एक थोड़ा सा झटका लगता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि आम्बी वाली इमेज थी उनके दिमाग में, तो यहाँ उनको ऐसा लगता है कि भैया बहुत ब्रेव है, मेरा चैलेंज जो है मेरी सुप्रीमेसी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मुझे बैटल के लिए इन्वाइट कर रहा है। तो अलेक्जेंडर के मन में ऐसा कुछ आता है और अलेक्जेंडर जो है पहुंचते हैं इनसे लड़ने के लिए। इन लोगों के बीच में झेलम रिवर के अक्रॉस एक बैटल लड़ा जाता है 326 BC में। इस बैटल को बैटल ऑफ हाइडेस्पस कहा जाता है। हाइडेस्पस जो है झेलम रिवर का ही ग्रीक नेम है। हम ये मान सकते हैं कि झेलम रिवर को जो ग्रीक हिस्टोरियंस है वो हाइडेस्पस के नाम से डिनोट करते हैं। तो ये जो बैटल है हाइडेस्पस का 326 BC में हुआ, इसके तीन नाम है। इसको आप बैटल ऑफ हाइडेस्पस, इसी को आप बैटल ऑफ झेलम या झेलम रिवर का जो एंशिएंट नेम है जो वेदों में बताया गया है वितास्ता, तो तीनों नाम से आप इसको जान सकते हैं, बैटल ऑफ हाइडेस्पस, बैटल ऑफ झेलम या बैटल ऑफ वितास्ता, ठीक है। 326 BC में यह बैटल लड़ा गया। इस बैटल में पोरस ने बहुत ब्रेवली लड़ाई ब्रेवली जो है अलेक्जेंडर से लड़ाई की, लेकिन फिर भी पोरस की यहाँ पे हार हो जाती है। अलेक्जेंडर इस बैटल को जीत जाते हैं, बट अलेक्जेंडर जो है वो पोरस की ब्रेवरी से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि इतने कम समय में और इतनी कम आर्मी के साथ पोरस ने जो है बहुत एफिशिएंटली ये लड़ाई लड़ी है। तो पोरस की ब्रेवरी से जो है प्रभावित होकर अलेक्जेंडर उनको उनका किंगडम वापस कर देते हैं। Alexander wanted to march forward towards the east, but after hearing about the power of Nandas, his soldiers refused to move forward. क्या होता है कि पोरस का किंगडम तो ठीक है उन्होंने वापस कर दिया, इसके आगे अलेक्जेंडर को बढ़ना होता है, लेकिन अलेक्जेंडर के जो सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर सरेंडर कर देते हैं, वो मना कर देते हैं कि वो आगे नहीं जाएंगे। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो ये कि अलेक्जेंडर के जो सोल्जर्स थे वो बहुत समय से निकले हुए थे ग्रीस से, अब बहुत सालों से वो लड़ रहे थे, तो उनको वापस अपने घर जाना था। प्लस उनको इस बात का भी डर था कि वो जिंदा घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था इतने समय में जब से वो इंडिया में थे नंदास की आर्मी के बारे में। अभी हमने बात की महापद्मानंद के पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी, तो नंदास की आर्मी जो थी वो बहुत ज्यादा एनलार्ज्ड थी, और सोल्जर्स जो थे ग्रीक सोल्जर्स उनको इस बात से डर था। उन्होंने एलिफेंट्स के बारे में भी सुना था जो उन्होंने कभी देखे नहीं थे, बस सुना था कि नंदास के पास बहुत सारे वॉर एलिफेंट्स हैं। तो सोल्जर्स जो है वो यहाँ पे डर गए नंदास की पावर के बारे में सुन के, और उनको वापस जाने की इच्छा थी। प्लस इंडिया का जो क्लाइमेट था हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट, उसने भी उनको काफी असर किया और वो इरिटेट हो गए उससे, वो वापस जाना चाहते थे। और अपने ही सोल्जर्स को अलेक्जेंडर नहीं मना पाए, तो फाइनली अलेक्जेंडर को वापस जाना पड़ा। वापस जाते समय जो है अलेक्जेंडर को ने ऐसा सोचा था कि ही विल कम बैक विद अनदर आर्मी, तो जो एरियाज उन्होंने इंडिया में कॉन्कर कर लिए थे उन एरियाज को उन्होंने अपने गवर्नर्स को दे दिए फॉर टाइम बीइंग, कि ठीक है भैया आप संभालो इसको, मैं वापस आता हूँ। बट अलेक्जेंडर जो है वो वापस नहीं आ पाते हैं, और कहा जाता है कि 323 BC में अलेक्जेंडर जो है इनकी डेथ हो जाती है बेबीलोन नाम की जगह पर जो करंटली इराक में है। तो 323 BC में वापस जाते समय अलेक्जेंडर की यहाँ पर डेथ हो जाती है, जिसके कारण वो वापस नहीं आ पाते हैं। आज का जो लास्ट डिस्कशन है इट इज अबाउट इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक्स इन इंडिया, कि अलेक्जेंडर का जो अटैक हुआ इंडिया पे, इनका जो इन्वेजन हुआ इंडिया पे, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। जैसे हमने पर्शियन इन्फ्लुएंस देखे, वैसे ग्रीक इन्फ्लुएंस की बात कर लें,
तो अलेक्जेंडर के इन्वेजन से पहला कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो गया इंडिया और यूरोप के बीच में। इससे क्या हुआ कि एक रूट डेवलप हो गया इंडिया और यूरोप के बीच में। अब ऐसी सिचुएशन बन गई कि ट्रेड होने लगा इंडिया और यूरोप का आपस में। इसके पहले तक ये पॉसिबल नहीं हो पाता था क्योंकि अलेक्जेंडर ने एक रास्ता खोज दिया, तो वो रास्ता जो है वो ट्रेड रूट रूट के। अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन है इंडिया पे, उसके बहुत सारे इम्पैक्ट पड़े। अगर हम बात करें पहले इम्पैक्ट की, तो वो ये था कि अलेक्जेंडर के इन्वेजन से एक रूट जो है वो एस्टैब्लिश हो गया था और पहला कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ था इंडिया और यूरोप के बीच में। तो अब ये ट्रेड रूट की तरह डेवलप हो गया था, जिसका बाद में इंडिया पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, इंडिया की इकोनॉमी पे। ग्रीस हिस्टोरियंस जो है उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी रखे हैं, मतलब उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ये जो पूरा अलेक्जेंडर वाला चैप्टर है, अलेक्जेंडर के जो इन्वेजन की बात है, ये हमें इंडियन रिकॉर्ड्स में नहीं मिलती है, सिर्फ ग्रीक रिकॉर्ड से मिलती है। तो ग्रीक रिकॉर्ड्स की जो हिस्ट्री है या उन्होंने जो हिस्ट्री कंपाइल करने की कोशिश की है, उससे हमको इंडियन हिस्ट्री को समझने में या उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में भी बहुत हेल्प मिलती है। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट रीजन। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ अंडर द ग्रीस क्रिएटेड फेवरेबल कंडीशंस फॉर चंद्रगुप्त मौर्य टू कॉन्कर द नॉर्थ वेस्ट एज इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू कॉन्कर मेनी स्मॉलर किंगडम्स। ठीक है, तो अलेक्जेंडर के इन्वेजन के समय पर इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स थे। ठीक है, चाणक्य ने ये इंपॉर्टेंस को समझा था कि इनको यूनिफाई करना चाहिए। तो चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाया, तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को भी अखंड भारत एस्टैब्लिश करने के बारे में ही बताया था, यूनिफिकेशन के बारे में ही बताया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी ये यूनिफिकेशन किया। और इसके पहले भी अगर हम बात करें कि अलेक्जेंडर ने भी बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स टेक ओवर कर लिए थे, जिनमें उनका इन्फ्लुएंस चलता था, ग्रीक जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य रूलर बने, तो उन्होंने बहुत इजीली जो है एक एक करके इन किंगडम्स को हरा दिया। तो ज्यादा लड़ाइयां चंद्रगुप्त मौर्य को भी नहीं लड़नी पड़ी। तो ये कुछ ग्रीक इन्फ्लुएंस थे जो इंडिया में हुए इनके इन्वेजन से, अलेक्जेंडर के इन्वेजन से। तो आज की क्लास जो है ये हम यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम मौर्यंस के बारे में बात करेंगे, मगध की जो चौथी डायनेस्टी है, दैट इज द मौर्यन डायनेस्टी, जिन्होंने काफी लंबे समय तक रूल किया और काफी अच्छा इनका भी एडमिनिस्ट्रेशन था। कहा जाता है कि मौर्यन एम्पायर पहला पैन इंडिया एम्पायर था इंडिया का। तो नेक्स्ट जो क्लास में जो है हम मौर्यंस के बारे में बात करेंगे। आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि कौटिल्य अकेडमी जो है आपके लिए एक नया बैच लेके आया है ऑनलाइन मोड में, जिसका नाम है मंजिल बैच, जो 16th August से स्टार्ट हुआ है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं, तो कौटिल्य अकेडमी का जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। या आपको और कोई क्वेरीज हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।